हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है डेस्कटॉप की रैम्स कितनी प्रकार की होती है और डेस्कटॉप में क्या DDR3N आती है या नहीं आती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डेस्कटॉप की रैम की अगर बात करें तो DDR1 से स्टार्ट होती है। DDR1, DDR2, DDR3 एंड DDR4। अब तो लेटेस्ट DDR5 भी आ चुकी है, बट मार्केट में उतना कॉमन नहीं है। और DDR1 बहुत आउटडेटेड हो गई है, तो DDR1 भी आप मार्केट में सर्च करेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। और जनरली उसका कोई सिस्टम भी नहीं मिलेगा कि किसी में हम देख सके। ठीक है, तो जो अभी कॉमनली यूज होती है रैम, हम उनको ही देखेंगे, उनको ही समझते हैं। ओके, तो अब हमारे पास है ये सामने DDR2 रैम्स। आप देख सकते हैं इस पे लिखा रहता है, जनरली अगर रैम पे देखेंगे तो 2 GB DDR2667। तो ये 2 GB साइज़ की है, DDR2 है और 667 इसका मेगा हर्ट्ज है। ठीक है, और इसके कट से भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। आप काम करेंगे ना रेगुलर, तो कट से भी समझ में आ जाता है ये DDR2 है। DDR2 में अगर कुछ स्पेशल बात की जाए तो इसमें बस 2 GB तक मैक्सिमम रैम आती है। आपको DDR2 में 4 GB, 3 GB ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट साइज़ जो होती है इसकी 2 GB होती है। एंड देन नेक्स्ट रैम आती है हमारे पास, वो है DDR3। जैसा कि आप इसमें भी अगर रैम पे पढ़ें तो ये है 4 GB, ये साइज़ लिखा होता है, ये DDR3 है एंड ये 1600 मेगा हर्च है। इसको अगर हम क्या स्पीड से ये ट्रांसफ़र करता है, तो इसको जानने के लिए अगर हम 1600 को x8 करेंगे तो इसकी ट्रांसफ़र स्पीड भी आ जाएगी हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1600 x8 करेंगे तो ये आएगा 12800। डैट मीन्स ये 12800 MBPS पर सेकेंड ट्रांसफ़र करता है। ओके, और ये भी एक है, ये कंसिस्टेंट की है हमारे पास। उसमें भी आप लेवलिंग देख सकते हैं, 8 GB DDR3 PC3 1600 मेगा हर्ट्ज है। और ट्रांसफ़र स्पीड अगर आपको निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से, तो हमें ट्रांसफ़र स्पीड मिल जाएगा। ये है अभी ये है हमारे पास DDR4 रैम। आप पढ़ सकते हैं 4 GB 1R16 PC4। PC4 मीन्स DDR4 एंड इसकी फ्रिक्वेंसी है 266। इसको भी हम 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी भी ट्रांसफ़र स्पीड हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि कौन कौन सी डेस्कटॉप की रैम आती है। तो अब हम वापस अपने वीडियो की टॉपिक पे आते हैं। तो मेन आज के टॉपिक का डिस्कशन जो है कि DDR3 कितनी तरह की होती है। DDR3 डिफरेंट तरह की होती है, फ्रिक्वेंसी वाइज स्टार्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप DDR3 मार्केट में लेने जाएंगे तो एक DDR3 800 मेगाहर्ट्ज़ की भी मिल जाएगी, वही एक DDR3 आपको 1600 मेगाहर्ट्ज़ की भी मिलेगी। तो आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग मेगाहर्ट्ज़ प्लान करके ले सकते हैं। देन एक डिफरेंस और होता है, लोगों में अभी तक क्लियरिटी नहीं है। बहुत से इंजीनियरों से भी मैं मिला हूँ जिनको भी अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि क्या डेस्कटॉप में भी DDR3N आती है। तो इसका आंसर है कि जी, DDR3 डेस्कटॉप में भी होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी 12800 होती है और उस पर लिखा होता है DDR3N। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास डेस्कटॉप है डेल का ऑप्टिप्लेक्स 3040, ये सिक्स्थ जनरेशन है। इसमें मैंने SSD वगैरह लगा रखी है। और आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो इसमें लिखेगा 4 DDR3L ओनली। इसके मदरबोर्ड पे लिखा हुआ है 4 DDR3L ओनली। अब इसमें रैम अगर देखा जाए तो हमारे पास तो DDR3 में बहुत तरह की होती है, फ्रिक्वेंसी से वाइज भी और एल और नॉर्मल वाइज भी।
तो जैसे कि ये देख सकते हैं ये रैम जो है आपकी ओनली DDR3 है, तो ये सपोर्ट इसमें नहीं करेगी। आज बहुत सारे इंजीनियर क्या गलती करते हैं कि ये वाला ही रैम इसमें लगाते हैं और ये नहीं चलता है। जैसे डेल की हो गई, HP हो गया, अगर इनकी 6th या 5th जनरेशन के जो बोर्ड होते हैं जिनमें DDR3L लिखा होता है, तो उसमें हमें DDR3L ही लगाना होता है। जैसे ये है 8GB PC3L, 12800 इसकी फ्रीक्वेंसी होती है और ये L टाइप का होता है, तो यही इसमें लगा के अगर हम चलाएंगे तो डिस्प्ले आएगा इस पे DDR3 नॉर्मल वाले पे या DDR3 ये किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, इन पे नहीं आएगा। ठीक है, इससे मेगाहर्ट्ज़ से उतना अंतर नहीं पड़ता। अगर उस पर स्पेशली बोर्ड पे अगर आपके लिख दिया है कि DDR3L ही चलेगा तो इसमें भी L ही चलेगा। तो इस वीडियो में अभी फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा DDR3L भी डेस्कटॉप में आती हैं, और आगे अगर कोई पूछे तो आप भी बता सकते हैं। और जहाँ DDR3L लिखा हो तो आपको DDR3L 12800 वाली ही लगानी है। आप अगर उसकी जगह पे DDR3 की दूसरी कोई फ्रिक्वेंसी वाली लगाएं तो नहीं चलेंगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा तो आगे परेशानियों से बच जाएंगे। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।